हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है स्वस्थ हो, मस्त हो और अच्छे होगे। तो आज का टॉपिक है गुड हैबिट। तो चलो देखते हैं गुड हैबिट में क्या क्या आते हैं और क्या क्या करने चाहिए। ओके बच्चों, तो मेरे साथ चलो स्टार्ट करते हैं गुड हैबिट। राइज अर्ली मॉर्निंग, सवेरे जल्दी उठना। बच्चों सवेरे जल्दी उठते हैं, लेट तक नहीं सोना चाहिए। सूरज उगने से पहले हमें जल्दी उठना चाहिए। एंड उठने के बाद ब्रश करना चाहिए। एंड ब्रशिंग अ टीथ मींस, इसे हिंदी में दांत साफ करना कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? दांत साफ करना। जल्दी उठने के बाद हम अपने दांतों को अच्छे से साफ करेंगे और सवेरे जल्दी से नहाएंगे। टेक अ बाथ, हिंदी में इसे नहाना कहेंगे। टेक अ बाथ, हिंदी में इसे नहाना कहेंगे। नेक्स्ट, ईट प्रॉपरली मींस ऑलवेज ईट हेल्दी फूड, नो जंक फूड। तो ईट प्रॉपरली में हेल्दी फूड में क्या आते हैं? राइस, चपाती एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स। तो अच्छी तरह से भोजन करना, ईट प्रॉपरली, अच्छी तरह से भोजन करना। भोजन करने के बाद गोइंग टू स्कूल मीन्स पाठशाला जाना। गोइंग टू स्कूल और अच्छी अच्छी बातें वहाँ सीखना। गोइंग टू स्कूल, पाठशाला जाना। हिंदी में स्कूल को कहेंगे पाठशाला। नाउ फन टाइम, स्कूल के बाद हम खेलने जाएंगे। खेलना को इंग्लिश में प्लेइंग कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों? प्लेइंग। स्कूल के बाद बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे मींस प्ले करेंगे। एंड गुड हैबिट में अच्छी बात होती है प्रेइंग करना मीन्स प्रार्थना करना। गॉड से प्रार्थना करना होता है, उनसे अच्छी बातें कहना होता है, अच्छी बातें सीखना होता है। प्रेइंग हिंदी में उसे कहेंगे प्रार्थना करना। अनदर, हेल्प अदर्स मीन्स आपके घर में दादा दादी हों, बड़े बुजुर्ग हों, उसकी मदद करना चाहिए। एक दूसरे की मदद करना, हिंदी में इसे कहेंगे मदद करना। बड़े बुजुर्ग की, छोटे बच्चों की मदद करना, हेल्प करना। उसके बाद हमें टाइम के अकॉर्डिंग सो जाना होता है, क्योंकि कल भी फिर से सेम रिपीट करेंगे। स्लीपिंग ऑन टाइम, समय से सो जाना, उसे इंग्लिश में कहेंगे स्लीपिंग ऑन टाइम। तो बच्चों देखा आपने गुड हैबिट में क्या क्या आते हैं? तो चलो मेरे साथ एक बार रिपीट करो। सुबह जल्दी उठना, सवेरे जल्दी उठना, राइज अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट, ब्रशिंग टीथ, दांत को अच्छे से साफ करना, क्लीन करना, ब्रशिंग टीथ। टेक अ बाथ, नहाना। ब्रशिंग के बाद अच्छे से अपने आप को क्लीन करेंगे, नहाना करेंगे। टेक अ बाथ। एंड ईट प्रॉपरली, नॉट ईट जंक फूड, अच्छे अच्छे खाना चाहिए, हेल्दी फूड हमेशा लेना चाहिए। ईट प्रॉपरली, इसे हिंदी में कहेंगे अच्छी तरह भोजन करना। गोइंग टू स्कूल, स्कूल, पाठशाला जाना। स्कूल को हिंदी में कहेंगे पाठशाला, पाठशाला जाना। एंड प्लेइंग विद फ्रेंड, खेलना। स्कूल के बाद अपने बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे। एंड गुड हैबिट में अच्छी बातें होती है प्रेइंग करना, प्रार्थना करना, गॉड से अच्छी अच्छी बातें करना मीन्स प्रार्थना करना। एंड हेल्प अदर, बड़े बूढ़े बुजुर्ग की, बच्चों की मदद करना,
जिसे सहायता की जरूरत हो उसकी मदद करना, मीन्स दूसरों की मदद करना, ये गुड हैबिट में आते हैं बच्चों। तो हमें किसी की भी हेल्प करनी चाहिए, हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता करना। एंड फाइनल स्लीपिंग ऑन टाइम, नो लेट जागना, स्लीपिंग ऑन टाइम, समय में सो जाना, समय से सो जाना, स्लीपिंग ऑन टाइम। तो बच्चों आपने देखा ये है गुड हैबिट। तो आप क्या क्या करते हो गुड हैबिट में, आप सोचो और फिर देखो और दूसरों की हेल्प करो, ये हमारे गुड हैबिट के हैं। आप देखो और अच्छे से सीखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।